गाइस, अगर आप सस्ते और बढ़िया ब्लूटूथ वाले ईयरफोन ढूंढ रहे हो तो आज है हमारे पास पोटोनिक के हार्मोनिक 230 वायरलेस स्पोर्ट्स हेडसेट, जो कि 1000 रुपए के अंदर आते हैं और इनकी क्वालिटी और फीचर्स काफी बढ़िया है। पर आपको एक बार ये वीडियो देख लेनी चाहिए कि आपके लिए ये परफेक्ट है या फिर नहीं है। सो हाई गाइस, मैं ना विनय एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक ऑन ट्रेंड में। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने वारंटी कार्ड दे के रखा है, यहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और उसके बाद आते हैं हमारे ये नेक बैंड ब्लूटूथ वाले ईयरफोन, इनको पहले साइड में रखते हैं और देख लेते हैं अंदर हमें कुछ मिलता है या फिर नहीं। यस, जी हाँ, यहाँ पर हमें एक यूजर मैनुअल मिलता है और साथ में हमें कुछ सिलिकॉन टिप्स भी मिल जाती हैं और एक माइक्रो यूएसबी केबल मिल जाती है छोटी सी। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमें सब कुछ मिल रहा है जो कि हमें प्रीमियम ईयरफोन के बॉक्स में मिलता है, वो हमें सारा मटेरियल यहाँ पर मिल रहा है। गाइस, वैसे तो 1000 के अंदर और भी बहुत सारी ऑप्शन थी, पर मैंने ये इसलिए सिलेक्ट किए क्योंकि ये इंडियन ब्रांड है और इसके फीचर्स इन्होंने भर भर के दे के रखे हैं। पर मैंने अभी अनबॉक्सिंग की और मुझे लगा नहीं था कि इनकी क्वालिटी सच में इतनी अच्छी होगी, क्योंकि इनकी जो बिल्ड क्वालिटी दे के रखे मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। नेक का जो साइज है वो छोटा जैसा है और काफ़ी लाइट वेट है और ये बहुत सॉफ्ट है, तो आपको पहनने में काफ़ी कंफर्ट फील होगा, मुझे काफ़ी कंफर्ट फील हो रहा है। और बाकी ओवरऑल इनकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। तो अभी आपको इनके मेन फीचर्स बता देता हूँ। सबसे पहली बात, ये माइक के साथ में आते हैं और ब्लूटूथ 5.0 आपको देखने को मिल जाता है और वायरलेस रेंज इसकी 10 मीटर की है और ये स्मार्टफोन टैबलेट एंड पीसी के साथ आप यूज़ कर सकते हो। और बैटरी कैपेसिटी आपको 110 मिलियन आवर की मिल जाती है। 10mm के ऑडियो ड्राइवर दे के रखे हैं, 1 साल की वारंटी मिल जाती है और रैपिड चार्जिंग के साथ में आते हैं। तो अच्छी बात यह है कि 15 मिनट आपने चार्ज करना है, उसके बाद आपको 6 आवर्स का प्लेबैक मिल जाएगा। और इनमें आपको 2 कलर देखने को मिल जाते हैं, एक है ब्लैक और दूसरा है ब्लू। और कनेक्टिविटी में आप 2 डिवाइस के साथ सेम टाइम पर कनेक्ट कर सकते हो। और सिलिकॉन ईयरबड्स देके रखे हैं, काफी कंफर्ट है पहनने में, मतलब बिल्कुल भी पेन वगैरह नहीं होती है। और साथ में ये मैग्नेटिक भी है तो इजीली कहीं गिरने वाली नहीं है। और सबसे अच्छी बात, ये CVC 8.0 के साथ में आते हैं। CVC मतलब क्लियर वॉइस कैप्चर, मतलब आप कॉल के ऊपर किसी साथ बात भी कर रहे हो तो ये बैकग्राउंड में जो नॉइस होता है उसको रिड्यूस कर देगा, बिल्कुल कम कर देगा। और यहाँ पर इसके अलावा आपको वॉल्यूम अप डाउन के फिजिकल बटन मिल जाते हैं और एक चार्जिंग पोर्ट। और यहाँ पर एक और अच्छी बात मुझे ये लगी कि काफी छोटा है इनका साइज और इजीली आपकी ये पॉकेट में भी आ जाएगा, देखो मेरे हाथ में आ गया। तो अब मैंने इनकी जो अच्छी बातें थी वो सारी मैंने आपको बता दी, अब थोड़ी कमियां भी होती हैं हर चीज में, उनके बारे में बात करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए ये बने हैं या फिर नहीं बने हैं। तो सबसे पहले आईफोन के साथ टेस्ट करते हैं, आईफोन के साथ कैसा रिस्पॉन्स आता है इनका। और अभी माइक भी साथ साथ में देख लेते हैं। हे सिरी, ओपन स्पॉटिफाई एंड प्ले म्यूजिक, इजीली काम कर गया है माइक, फोन ने सुन लिया है इसके माइक से, अच्छी बात है। और अभी गाने शुरू हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा लाउड साउंड है, थोड़ी कम कर लेता हूँ। वॉल्यूम अप डाउन के बटन आईफोन के साथ में भी काम कर रहे हैं और पॉज करने वाला बटन भी, यहाँ पर पॉज करने का बटन दे के रखा है। आईफोन के साथ भी काफ़ी अच्छी आवाज़ आ रही है इनकी, एक बार आपको सुनाता हूँ माइक के साथ, ज़्यादा लगाऊंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा। काफ़ी सही क्वालिटी है। तो अभी एक बार YouTube के ऊपर भी सेम ही गाना सुन लेता हूँ, क्योंकि होता है कि प्लेयर्स का भी फर्क पड़ता है, तो YouTube के साथ भी देख लेते हैं कि कैसी आउटपुट निकल के आती है। देखो, बेस भी काफ़ी अच्छा है और साउंड भी काफ़ी लाउड है इनकी, फुल साउंड पे तो मेरे से सुनने में नहीं जा रहे क्योंकि ज़्यादा ही लाउड लग रहे हैं, क्योंकि साउंड काफ़ी अच्छी है इनकी। और Flipkart के ऊपर भी इनकी काफ़ी अच्छी रेटिंग थी 4.2 की, तो मैंने सोचा इनको मंगवा लेते हैं और यहाँ पर मुझे भी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो इतना मैं कह सकता हूँ कि मनोरंजन के लिए काफ़ी बढ़िया है। अभी एक टेस्ट हमारा बनता है पबजी डिले आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, और 5.0 के साथ में आते हैं ब्लूटूथ 5.0, तो डिले तो वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि 5.0 के साथ बहुत कम डिले होता है, होता है पर कम होना चाहिए। तो अभी देखते हैं, थोड़ा सा गेम खेलते हैं। तो जी हाँ, हमने मैच लगा दिया है, अभी पता चल जाएगा कि डिले है या फिर नहीं है। एक लौंडा मैंने मार दिया अभी, तो अभी मैंने टेस्ट कर लिया डिले का, तो डिले है भाई। और इस प्राइस रेंज में जितने भी होते हैं उनमें डिले होता ही है वैसे, और उतना नहीं है वैसे अगर आप थोड़ा सीरियस गेम प्ले करते हो तो उनके लिए डिले महसूस होगा, अगर आप ऐसे ही कैजुअली खेलते हो जस्ट फॉर फन तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा डिले है। और अभी एंड्रॉयड के साथ देख लेते हैं कि एंड्रॉयड के साथ कैसी परफॉर्मेंस आती है। तो अभी एंड्रॉयड के साथ इनको कनेक्ट कर लिया, अभी गाने बजाते हैं। तो यहाँ पर एंड्रॉयड के साथ जो एक्सपीरियंस है साउंड का, वो थोड़ा काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो मेरे पास ये MI का 10 आई है, इसके साथ मैं
चेक कर रहा हूँ, तो इसके साथ जो साउंड आ रही है, मतलब आईफोन को मैं थोड़ी सी जो लाउडनेस है वो थोड़ी सी कम होगी और बाकी साउंड क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम ही है। बस थोड़ा सा फर्क आ चुका है क्योंकि हर फोन का सॉफ्टवेयर का भी फर्क होता है, तो अच्छी है इसमें भी साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी को मैं बुरा नहीं कहूंगा, इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफी बढ़िया साउंड क्वालिटी इन्होंने दे के रखी है। और यहाँ पर बात रही गेमिंग की, तो सच में बता रहा हूँ एंड्रॉयड में डिले थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब फील हो रहा है कि डिले है। आईफोन में इतना डिले फील नहीं हो रहा था, पर एंड्रॉयड में डिले आ रहा है। और बाकी ओवरऑल जो है प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। और गाइस ये हेडसेट IPX4 वाटर प्रूफिंग के साथ में आते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर आप जिम में भी इन्हें यूज़ करोगे तो ये ख़राब नहीं होंगे, थोड़ा बहुत पानी वगैरह बारिश का भी ये झेल लेगा। तो गाइस इन हेडफोन के प्रॉपर रिव्यू के लिए हम शाम को घूमने जाते हैं, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को ट्राई करने के लिए दिया, उनको प्राइस नहीं बताया था मैंने पहले, और उनको कहा कि साउंड क्वालिटी बताओ यार कैसी लगी, इनकी अपना रिव्यू दो। तो मेरे एक फ्रेंड ने 10 में से 7 रेटिंग दी और दूसरे फ्रेंड ने 10 में से 8 रेटिंग दी, क्योंकि होता है कि हर किसी का अलग अलग टेस्ट होता है साउंड क्वालिटी में, किसी को ज़्यादा बेस पसंद होता है, किसी को ज़्यादा बेस पसंद नहीं होता है। तो मैंने उस बिहाफ पर अपने फ्रेंड से पूछा कि इनकी साउंड क्वालिटी कैसी है, तो उनको मैंने बाद में प्राइस बताया, तो वो ये कह रहे थे कि सीरियसली इतने के हैं। तो लास्ट में उनका कहना ये था कि ओवरऑल उनको काफ़ी बढ़िया लगे। और साथ में मैंने दो और ईयरफोन डाले थे, जो कि एक है नॉइस का जो कि 2000 से थोड़ा कम है, और दूसरा है OnePlus Buds G, और ये लिमिटेड एडिशन है, ये वाला 3000 के ऊपर है, तो उनको उतना फ़र्क लगा ही नहीं इनका और इनके बीच में। और ये बात उन्होंने नोटिस की कि ये जो नॉइस वाले इनका साइज काफ़ी बड़ा है और ये वाले काफ़ी छोटे हैं और काफ़ी कंफर्ट भी हैं। मुझे भी इनमें ये बात सबसे अच्छी लगी, इनका डिज़ाइन और इनका कंफर्ट। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा जो मेरा फ्रेंड्स और मेरा रिव्यू निकल के आता है कि बढ़िया क्वालिटी है, इस प्राइस रेंज के हिसाब से जो भी इन्होंने पैकेज दिया है वो सारा का सारा काफ़ी बढ़िया है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप इन्हें ले सकते हैं, और 15% का डिस्काउंट कोड भी आपको नीचे मिल जाएगा। मुझे नहीं पता कि वो कोड जो वो कब तक वर्क करेगा, पर अभी तक काम कर रहा है, तो अगर आप इनको लेने की सोच रहे हो तो उस कोड का यूज कर लेना, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी बिल्कुल लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में पीस आउट।